लद्दाख एक्सप्रेस चैनल अंतंगा रसूस बेतंगा मोहम्मद मूसा दरे लद्दाख एक्सप्रेस सस्पोल ललब से उत ले जुरिसडिक्शन अनुक यान दरे मचल्ला माछसिना लेगी यानी व्लॉगी अनुक लेगी मिंगबिम गतान दी केंता सेती एक्सप्रेस थोम छतंग शाहनवाज बाईस दी व्लॉगिंग चुआतंग लेगी मिंगबिम योतीन यादिया चुगा ट्रागी अनुक गचुगा सफर बेंचिक दे टू स्पीका गो स्ट्रगल रेलूस पर दोन सख्तान इन चिक फेसबुक ना इंस्टा ना यूट्यूब का यहाँ तमाम से थोमा चितंग छना शाहनवाज भाई नलबा से थुगत यहाँ दो मेन माँ गचो समझुक दुगे अंति दुन ललब चुगत शाहनवाज भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम भाई। सेठी एक्सप्रेस का आइडिया कैसे आया? स्पेशली जितने भी ड्राइवर्स हजरात हैं अब धीरे धीरे व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं, कैसा लग रहा है, किस तरह का स्ट्रगल्स स्पेशली ड्राइवर्स को होते हैं? सिटी एक्सप्रेस एक अभी नामावर नाम है, बहुत सारे लोग जानते हैं। पहले उन सबको थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, एक आम इंसान को इतना खास बनाने के लिए। सिटी एक्सप्रेस नाम एक्चुअली जब मैं खलासी का काम कर रहा था, मतलब हेल्परी कर रहा था, गाड़ी सीख रहा था, तब मतलब मेरे ख्याल में आता था जब मैं एक अच्छा ड्राइवर बन पाऊँगा तो फिर मतलब मैं गाड़ी एक अच्छा ट्रांसपोर्टर बनूँगा, बड़ा ट्रांसपोर्टर, मेरे पास 5-6 गाड़ी होगा या 10 गाड़ी। पहले पहले तो टारगेट माइंड में एक ही गाड़ी था कि कब मुझे अपना गाड़ी होगा, क्योंकि मेरा निक नेम असली सेठा, ये कश्मीरी वर्ड है, सेठा नाम बोलते हैं, तो मैंने इसको सेठी बनाया, ये असली सेठा ही है, सिंपल नाम है। सेठी बनाया? हाँ, सेठी बनाया। तो फिर मैं सोच रहा था कि मैं कब अपनी गाड़ी लाऊँ, फिर उस पर लिखूंगा आगे सेठी एक्सप्रेस। मतलब बहुत बड़ा ड्रीम था अपनी लाइफ में कि कब मैं अपनी ट्रक लाऊंगा, कब मैं एक अच्छा ड्राइवर बन पाऊंगा। मतलब व्लॉगिंग का आइडिया कैसे आया आपके माइंड में? व्लॉगिंग का आइडिया तो इससे पहले भी मैंने बहुत बार बोला कि बहुत मतलब न्यूज़ चैनलों में मैंने ऐसे बोला कि अचानक से एक वीडियो वायरल हो गया, मस्त जवानी तेरी मुझको पागल कर गई रही, एक सॉन्ग था टिकटॉक पे ट्रेंडिंग में, मैं उस पर खूब नाच रहा था, अचानक से मतलब एक भाई ने वीडियो उठाया, थोड़ा सा मैंने ऐसे मतलब बहुत अच्छा लगा था पहले पहले जब फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा था, अकेला खुद गाड़ी चला रहा था, तो मतलब बहुत शौक था। मैं सोच रहा था ये ऐसे मतलब कैसे लोगों को पता चल जाएगा जो अपने गाँव के, शहर के अपने रिलेटिव है, कि नहीं ये अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गया, ये एक ड्राइवर बन गया, क्योंकि ट्रक ड्राइवर बनना एक बहुत मुश्किल का काम है। मतलब आजकल के ज़माने में उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल उतना टफ मतलब खलासी का काम नहीं है जैसे पहले था, बहुत टाइम लगता था, या 3-4 साल खाना बनाना पड़ता था, गाड़ी का ख्याल रखना पड़ता था, तब जाके एक वो अच्छा प्रोफेशनल ट्रकर बनता था, एक अच्छा ड्राइवर बन पाता था। वैसे ही मतलब 3-4 साल जब मैंने खलासी का काम किया, तो फिर जब मैं ड्राइवर बना तो मैं सोच रहा था अब कैसे लोगों को पता चलेगा कि नहीं ये एक ड्राइवर बन गया। फिर मैं फेसबुक पे लाइव वगैरह देता था, ऐसे थोड़ा स्टोरी वगैरह, उन दिनों में उतना मतलब सोशल मीडिया का ट्रेंड नहीं था, तो फिर अचानक से एक वीडियो वायरल हो गया। बट उन दिनों में मैं बहुत छोटा था, तो मतलब लोग मुझे एकदम से पसंद करने लगे, मतलब और अच्छा स्मार्ट भी था बहुत इससे, तो लोगों को अच्छा लगा मेरा वीडियो, और मैं उस पर खूब नाचता था, मसरूफ था, तो वो वीडियो वायरल हो गया यूट्यूब पे। आप ऐसा समझो अराउंड 4.5 मिलियन अभी व्यूज है उस पर। तो आप जिस तरह से व्लॉगिंग करते हैं बहुत यूनिक स्टाइल तरीके से, मुख्तलिफ लोकेशंस को आप दिखाते हैं, तो लोगों का किस तरह के रिएक्शंस रहता है? मतलब देखो, अभी अगर मैं अपने कश्मीर की बात करूँ, या मुझे ज़्यादा मतलब 50-60-70% आइडियाज जो बाहर की है, पूरे ऑल इंडिया की है, उसके बगैर भी मतलब मैं मेरे माइंड में ऐसा होता है कि मैं घर बैठे कैसे इनको शेयर कराऊँगा, कैसे इनको मतलब अगर मैं अभी लेह चल रहा हूँ, लेह का सफ़र कर रहा हूँ, तो मतलब हर कोई नहीं आ पाता है ना लेह, इसलिए घर बैठे ही मैं इनको मतलब एंजॉय कराता हूँ लेह, लद्दाख कोई भी स्टेशन हो। फ्यूचर में आपका ड्रीम क्या है, वो लोग इनको किस तरफ ले जाना चाहते हो? फ्यूचर में ड्रीम बस यही है कि एक बड़ा ट्रांसपोर्टर बनना है, और ड्रीम ये है कि ट्रक ड्राइवर को रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, लोग मतलब जैसे छोटी नज़र से देखा जाता है एक ट्रकर को, तो वही एम है अपने माइंड में कि नहीं मैं इनको रियल स्ट्रगल दिखाऊंगा एक ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी क्या होती है, कैसे कैसे मतलब आपकी ज़रूरत का सामान कैसे ये आप तक पहुंचाते हैं, उसके दौरान जो भी ट्रक में सफ़र रहता है कितनी थकान होती है, मतलब 1 बजे का खाना, शाम के 7 बजे खाना कभी पड़ता है, तो वो दिखाना चाहता हूँ कि ताकि उससे लोग एक ट्रक ड्राइवर को अच्छी नज़र से देखें और रेस्पेक्ट करना सीख जाए। बिल्कुल। हाँ,
तो अभी आप लेह के तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे टूरिज्म हॉटस्पॉट है ये लेह एरिया, तो वही करगिल, करगिल में आपने जोजिला पास का क्रॉस करके आए, वहाँ पे भी आपने वीडियो अपलोड किया है, कैसा लगा आपको, किस तरह के डिफरेंस दिखाई दिया? बिल्कुल यार देखो, मतलब ऐसा फील हो रहा है ना, वरना मतलब जितना अभी हमें लेह ट्रिप में पैसा बचेगा या बाहर किसी लाइन में बचेगा, उससे कम ही हमें इस लाइन पे पैसा बच जाता है, बट एक मतलब अलग सा फील हो रहा है। मतलब मैं सोचता हूँ मैं अपने ही घर में हूँ, मैं अकेला भी यहाँ आ सकता हूँ, अकेला कोई बंदा अगर साथ भी नहीं होगा तब भी मैं इस रोड पे सफ़र करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं किसी 1000-2000 किलोमीटर घर से दूर हो तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग जाएगा, मैं डर जाऊँगा, और मतलब खासकर जो मौसम बहुत ही प्यारा है। मतलब आपके फैंस को क्या मैसेज पहुंचाना चाहिए आखिर? बस फैंस को सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है, अभी जो देखने वाले हैं, पहले भाई की चैनल को सपोर्ट करो, फॉलो करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। उसके बाद एक ही रिक्वेस्ट है कि ट्रक ड्राइवर को हमेशा रेस्पेक्ट किया करो। बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रगल रिलूस पत दोनों से व्लॉगिंग चेन्यू थंग यूट्यूब का वीडियो से उंग मता दरे से थी एक्सप्रेस दरे दी के यंता ले गा चल सस्पोल ले लिपसे ता सस्पोल ने यंता स्टोरी लिप चेन्यू गचो बसे स्ट्रगल लुसन दरे दरे से थी एक्सप्रेस ही गचो कहानी दुगंती दुल्ला लिप चुगनेत।